टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, सोमवार का दिन है और तारीख है 16 सितंबर और टाइम हो रहा है करीब 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और छोटे बेबी को कर दिया है बिल्कुल अच्छे से रेडी नहला धुला कर। तो जी, आज है इसका नामकरण। तो आज मतलब हवन बताया था 11 दिन का, तो आज ये 11 दिन का हो चुका है। तो बस इसी के नाम का हवन आज हो रहा है। परिवार मिलके मतलब हवन में बैठे हुए थे और उर्वी के पापा और हमारे पापा जी बाहर बैठे हुए थे। एक्चुअली में घूंघट वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो बस इसीलिए। तो आज जो है ना हवन नामकरण मतलब 11 दिन का बता दिया था। फिर उसके बाद ये होगा कि श्राद्ध वगैरह लग जाएंगे, तो उससे पहले करवाना ज़रूरी था क्योंकि नवरात्रे वगैरह भी नहीं हो पाएंगे फिर इस वजह से। तो पंडित जी ने 11 दिन का बताया, तो हमने ठीक ठाक से मतलब कोमल की तबीयत ठीक थी तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई करने में। तो हवन का बोल दिया था, तो बस यहाँ पे पंडित जी अपने मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे और यहाँ पे कितने देने हैं? 10 रुपए एक दे दिया, 9 रुपए दे दे और 10 का तो मैंने ये लो। खुले ले रहे हैं ये आपसे है ना? 10 के खुले ले रहे हैं, दे दो मुझे। इसमें से एक का निकालो, दे दो कम होगा तो दो दो के दे देना। पंडित जी कलावा दे देना, पापा रह गए अंदर बांध देंगे, भाई साहब बांध देंगे, बड़े आप बंद हो गए, आ जाओ पापा। हाँ सही बात, 10 रुपए तो मिल जाएंगे जब भी। दीदी पंखा बंद है, चला देते हैं अंदर का। तो खुली पड़ी हैं सब खिड़की भी खुली पड़ी हैं सब। पार्टी ना लड्डू ले आना तो 2.5 किलो
तो जी बस हवन के बाद खाना पीना हुआ हमारा, वही आलू की सब्जी पूरी खीर हम सब ने बनाई खाई और उसके बाद पंडित जी को खिलाई खाना वगैरह खाने के बाद। अभी शाम का वक्त है, शाम का वक्त है। अब 11 दिन से हमारे यहाँ पे पूजा नहीं हुई थी, तो कहते हैं ना सोवड़ होती है तो सोवड़ निकालनी पड़ती है, मतलब हवन वगैरह जब हो जाता है उसके बाद सोवड़ निकल जाती है। तो हवन 11 दिन का बता दिया था, तो दिया वगैरह हमारे घर में नहीं जला था। तो अब जो है ना मैं इस मंदिर की डेकोरेशन करूँगी और इस मंदिर से मतलब जो मेरा मंदिर है इसमें ये पेपर लगा हुआ है, इस पेपर को सारे को हटा के मैं नया एक पेपर इस पे चढ़ा देती हूँ ताकि अच्छे से पूजा हमारी हो सके। गंगा जल से सारी तस्वीरें वगैरह सब धो लेंगे हम और फिर आज से हम शाम से पूजा शुरू कर देंगे। तो मंडे का दिन है, शाम को दिया बाती तो होगी होगी। अब ये जो पेपर है ना ये मैंने पिछली जन्माष्टमी पे चढ़ाया था, इस जन्माष्टमी पे भी नहीं चढ़ पाया पता नहीं कैसे। और अब जो है ना ये वाला पेपर भी हटा देंगे और जो है ये वाला पेपर भी, सारा पेपर मतलब एकदम से हटा देंगे। फिर उसके बाद इस मंदिर को नया करना है इस नए पेपर के साथ। मंदिर पे पेपर चढ़ गया और अच्छे से जो है ना जो इसका जो ये कवर वाला फ्रिज के ऊपर वाला कपड़ा ये भी चेंज कर दिया मैंने, सारी गंगा जल से तस्वीरें धो दी और अब जो है ना मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब ये वाला पेपर है ना काफ़ी सुंदर लग रहा था। अब जो है ना हमारी पूजा अब आज से स्टार्ट होगी और चाहे गमी होती है जैसे अगर कोई एक्सपायर हुआ हो या फिर बच्चा पैदा हुआ हो तो सोवड़ हो जाती है, गमी हो जाती तो पूजा नहीं होती इतने दिन तक, सवा महीने तक पूजा वगैरह नहीं होती। लेकिन हवन अगर जिस दिन हो जाता है उसके बाद से कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर आज भोग लगेगा काजू कतली का, तो काजू कतली आई है छोटे वाले देवर जी लेकर आए थे खुशी से, मतलब सबके लिए एक डब्बा, दीदी के लिए एक डब्बा, हमारे लिए और नीचे के लिए सबके लिए एक डब्बा आया है और इसी का भोग मैं लगाऊंगी क्योंकि अब पूजा शुरू हो रही है। तो सबसे पहले डब्बा मैंने तभी खोला, तो पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं फिर उसके बाद अपना खाना पीना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मंदिर में पूजा हो गई है, दिया बाती भी हो गई है और भगवान जी को भोग लग गया है और अब देखिए ये कवर जो है ना काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो जी यहाँ पे अब थोड़ा सा सामान वगैरह था घर का वो हमें लेकर आना था और सामान जितना कम मतलब जितना ख़त्म था उतना मैं लेकर आई हूँ, ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी क्योंकि मुझे डब्बे वगैरह साफ़ करने थे। मैं किचन पहले क्लीन करूँगी फिर उसके बाद नए सिरे से सामान आएगा घर में। तो अब ये जो सामान है ना ये सारा सामान मैं एक बड़े डब्बे में रखूँगी, तो छोटे छोटे डब्बों में इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि मुझे कल सारे डब्बे धोने हैं, पहले मैं डब्बे धो दूँगी फिर उसके बाद जो है ना अलग अलग डब्बों में निकाल के रखूँगी। फिलहाल के लिए मैंने जो भी सामान था वो इसमें रख दिया है और ये मिर्च मसाले वगैरह भी मैं नहीं डाल के रख रही हूँ क्योंकि मुझे जो ना वही है कि पहले डब्बे साफ़ करने फिर उसके बाद रखूँगी। तो जितना सामान इसमें आया उसको मैंने इसमें रख दिया फिर उसके बाद बाकी का सामान मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो जी अब शाम का वक्त हो गया, करीब 7:45 बज गए और हमारा खाना रेडी हो गया। बाज़ार से हम लोग सब्जियां वगैरह भी लेकर आ गए थे और सब्जियां हरी सब्जियां लेकर आए थे, मतलब जो भी पूरे वीक की सब्जी लानी होती है वही। तो यहाँ पे अब खाना मैंने बनाया है वही चने की दाल की चावल और चटनी टमाटर की। तो चने की दाल के चावल जब भी मैं हमेशा बनाती हूँ तो मैं उसके साथ हमेशा से चटनी बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगती है और ये वाली चटनी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कब मतलब चने की दाल के साथ हमेशा ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है ना प्रेशर निकल चुका था कुकर का, तो बस अब फटाफट से प्लेट लगा देते हैं, बच्चे जो है ना बैठे हुए हैं खाने के लिए और हम सब खाएंगे खाना और साथ ही करेंगे इस वाले वीडियो का भी यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो, पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।